नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य पंडित और मैं आज आप लोगों को जीएसटी रिटर्न के बारे में बताऊंगा। जीएसटी रिटर्न में अभी दिसंबर से कुछ चेंजेस भी हुए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और आप इजीली, यदि आप एक कॉन्ट्रैक्टर है या फिर छोटे मोटे आपके बिल्स हैं, तो आप अपना रिटर्न कैसे भर सकते हैं खुद से। आपको यहाँ पे सीए के पास जाने की जरूरत नहीं, आप अपना रिटर्न खुद से कैसे भरेंगे इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे मैं सेल्स इनवॉइस और परचेज इनवॉइस दोनों रिटर्न भर के बताऊंगा। तो जैसे कि देखते हैं हम लोग यहाँ पे फाइल रिटर्न में आप यहाँ पे जो भी आपका ईयर है वो चूज करते हैं। और जैसे कि मेरा भी फरवरी का है विथ लेट फीस, मेरा भी फरवरी का भर रहा हूँ और अप्रैल चल रहा है तो लेट फीस आएगा। लेट फीस के साथ कैसे पेमेंट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे दोनों टॉपिक्स कवर करूंगा, जो कि जीएसटी R1 है और 3B। R1 का भी रिटर्न कैसे करेंगे और 3B का भी रिटर्न कैसे करेंगे। इसका 11 मार्च था जो एक्सपायर हो चुका है, और 20-3 है इसका भी एक्सपायर हो चुका है। तो दोनों रिटर्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले R1, जिसे R1 का कैसे करेंगे। जनरली यदि आपका 1.5 CR से नीचे है तो आप 3 मंथ्स में भी रिटर्न भर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आता है क्वार्टरली से नीचे चेंज करने को, ये मेरा भी मंथली है, आप इसको क्वार्टरली में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको हर मंथ रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा, 3 मंथ्स में एक बार भरना पड़ेगा, तभी आपको ये जो कॉलम है ये डिस्प्ले नहीं होगा। अभी के फील्ड में मुझे अभी मेरा मंथली है इसलिए मुझे ये डिस्प्ले हो रहा है। तो जैसे देखते हैं कि आर वन को कैसे रिटर्न करेंगे। देखिए इसके ऊपर आपको जस्ट क्लिक करना है, बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप खुद कर सकते हैं। और यदि आपका जीएसटी में आपके टैक्स वैल्यूज है, आपके खुद के ही है, दोनों पार्टी मतलब आपके पास जो दे रहे बिल वो जीएसटी का बिल दे रहे हैं और आगे वाले पार्टी के पास भी जीएसटी का ही जीएसटी नंबर है, तो जीएसटी का नंबर से आप बिल इशू कर रहे हैं तो आप B2B यहाँ पे बिल को इम्पोर्ट करेंगे। B2C यदि आपके पास, यदि आगे वाले पार्टी के पास जीएसटी नंबर नहीं है और 2.5 लाख के ऊपर का बिल है और जिस स्टेट का आपका जीएसटी है वो दूसरे स्टेट का आप यदि पेमेंट कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में किसी का है और विदाउट जीएसटी बिल, मतलब जीएसटी उसमें वो आगे वाले पार्टी पर जीएसटी नहीं होना चाहिए और दूसरे स्टेट का होना चाहिए और 2.5 लाख से ऊपर का होना चाहिए, तो आप B2C में डालेंगे। अभी फिलहाल हम लोग B2B देखते हैं। B2B पे क्लिक करना है आपको। मेरा ये फरवरी का है तो मैं यहाँ पे फरवरी का एक सॉफ्टवेयर अच्छा है, ऑनलाइन फ्री भी है, आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा जीएसटी का बिल रिकॉर्ड होके रिकॉर्ड रहता है, तो मैं यहाँ पे फरवरी का बिल देखता हूँ। फरवरी में देखिए मेरे पास 3 बिल है, 1, 2, 3, तो हम यहाँ पे फरवरी का बिल को एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे इसको हम लोग अभी देखते हैं। ये लॉगिन करने के लिए आ रहा है, मैं लॉगिन कर देता हूँ। मेरा ये बिल है फरवरी का, 16 फरवरी का है, इसको प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे मुझे सब डिटेल्स आ जाता है। मैंने जेम के ट्रेनिंग प्रोवाइड किए थे, जेम पोर्टल्स के, तो ये 5000 का है और जीएसटी मिला के 5900 का बिलिंग होता है। तो मुझे इसका इनवॉइस अभी यहाँ पे इनपुट करना है, तो यहाँ पे ऐड डिटेल्स में चले जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे जो रिसीवर है उनका जीएसटी नंबर, तो जीएसटी नंबर मुझे यहाँ से मिल जाएगा मेरा। यहाँ पे जिनको हमने पेमेंट किया है, जिसके नाम से इनवॉइस बनाया है, उनका ये जीएसटी नंबर है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जीएसटी नंबर को पेस्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली रिसीवर का नाम आ जाता है। इनवॉइस नंबर मेरा है 20, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इनवॉइस नंबर 20। टोटल इनवॉइस वैल्यू कितना है, 5900। यहाँ पे टोटल इनवॉइस वैल्यू है 5900, ये मैंने डाल दिया। ये ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड ये ऑटोमेटिकली आपका ले लेता है। इनवॉइस डेट ये है 16 फरवरी का, यहाँ पे लिखा हुआ है 16 फरवरी का, मैं यहाँ पे डेट इनपुट कर देता हूँ, 16 फरवरी का है। और यहाँ पे मेरा बिल आता है कौन से परसेंटेज में आपकी कैटेगरी का बिल आता है, तो मेरा यहाँ पे जो है 9918% के कैटेगरी में आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एस जीएसटी और सी जीएसटी लगा हुआ है, 450 450 जीएसटी लगा है 900 का 18% पे, कितने के ऊपर, 5000 के अमाउंट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे 18% पे डाल देता हूँ, मेरा जीएसटी का जो है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा
5000 ऑटोमेटिकली सीजीएसटी और एसजीएसटी ले लिया, इसको हम कर देंगे सेव। जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे आ जाता है डिस्प्ले, आपका हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है इसको वेरिफिकेशन के लिए, तब तक हम लोग दूसरा बिल यहाँ पे डाल सकते हैं सेम तरीके से, जैसे कि मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे और एक बिल है 10,000 का, जिसका जीएसटी हमारा नहीं है, मतलब हमने जीएसटी वाले बिल्स उसको जीएसटी नंबर नहीं था, पर भी हम लोगों ने टैक्स इनवॉइस बनाया था तो जीएसटी नंबर नहीं, तो विदाउट जीएसटी को भी कहाँ पे इनपुट करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद। फिलहाल हम लोग जो जीएसटी का बिल है वो देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे दूसरा इनपुट डाल दिया है 19 का 5900 का, और ये इनवॉइस डेट है 12 फरवरी का है ये, तो मैं यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे 18% सेम, ये 5000 के ऊपर हमारा जीएसटी है तो 5000 के ऊपर इसको भी सेव कर देता हूँ। हमने यहाँ पे दो इनपुट बिल डाल दिए, तो ये मुझे अभी रिटर्न्स में यहाँ पे देखना मिलना चालू हो जाएगा। कहाँ पे मिलेगा ये देखने के लिए, यहाँ पे 2021 फिर से हम लोग जाते हैं फरवरी फेब के मंथ में और इसको सर्च कर दो, तो यहाँ पे मुझे जो बिल है यहाँ पे दिखने को मिलेगा। अभी अपडेट नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लेगा अपडेट होने में, जैसे अपडेट होगा ये मुझे फरवरी में यहाँ पे दिखने का इनपुट टोटल जो डिटेल्स है वो यहाँ पे मुझे इनपुट आना दिखना चालू हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे 11,800 मुझे अभी दिख रहा है, दो बिल मैंने डाले थे 10,000 है और 1800 रुपया मेरा उसका जीएसटी है। ओके, तो मुझे अभी यदि जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक बिल दिखाया था जो मेरे पास विदाउट जीएसटी का बिल था, यदि मुझे उसको एंट्री करना है तो मैं यहाँ पे जीएसटी R1 अदर्स डिटेल्स में B2C में इनपुट करूँगा। कैसे करेंगे, B2C पे क्लिक करना है, एड डिटेल्स, यहाँ पे स्टेट, जैसे कि मेरा यहाँ पे कौन से स्टेट के लिए है महाराष्ट्र, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, तो टैक्सेबल वैल्यू मेरा है 10,000, कितने परसेंट जीएसटी पे आप देते हैं, मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, एक छोटा सा अमाउंट डाल देता हूँ 0.5% का, तो 500 हो जाता है, इसको सेव मैंने यहाँ पे डाल दी। ओके, ये मैंने सभी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दिए, तो मुझे अभी यहाँ पे सब डिटेल्स यहाँ पे दिखना चालू हो गया। यहाँ पे आ गया ये बिल और अदर्स में आपको अदर्स का इनपुट दिख जाएगा, यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है, यहाँ पे अभी इनपुट आपको दिखना चालू हो जाएगा, थोड़ा अपडेट होने के लिए टाइम लेता है, जैसे अपडेट होगा ये आपको यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। अभी यहाँ पे जैसे कि आपको दिखना दिख रहा है ऐसे, अभी आपका जैसे यहाँ पे इनपुट आपका आ गया, इसको आप जीएसटी इनवॉइस या जनरेट जीएसटी आर समरी यहाँ पे जनरेट करना पड़ता है, तो यहाँ पे जनरेट कीजिए, जनरेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा ये आपको बता रहा है, 17:04 मतलब ही 4:01 को ये जनरेट होगा, तो जैसे 4:01 होता है, 4:10 को 26 को, तो फिर हम लोग इसके आगे का प्रोसेस को देखेंगे। देखते हैं यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट डाल के इसको हम लोग क्या करते हैं, सबमिट प्रोसेड, हम इसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते वो बता रहे हैं मुझे। ओके, ये अभी रिटर्न के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक ये 10 नहीं होगा तब तक हम इसका रिटर्न नहीं कर पाएंगे। ये 4:10 हो चुका है, यहाँ पे सब डिटेल्स मेरा यहाँ पे अपडेट हो चुका है, मैं इसको सबमिट कर दिया था, ये सबमिट हो चुका, आप यहाँ से डाउनलोड भी हम कर सकते हैं अभी ये फाइल जो एक्सेल के फॉर्मेट में आएगा, या हिस्ट्री, डाउनलोड हिस्ट्री, मैंने कितनी बार डाउनलोड किया उसका पूरा हिस्ट्री भी दिखता है। यहाँ से हम प्रीव्यू देख सकते हैं फाइल का, और इसको फाइल रिटर्न हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये मेरा रिटर्न हो जाएगा, सब कुछ प्रॉपर है मुझे लगता है, तो मैं यहाँ पे फाइल रिटर्न पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करता हूँ यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी का नेम आ जाएगा, और यहाँ पे DSC से या EVC से, मतलब OTP से हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, और डिजिटल सिग्नेचर है तो डिजिटल सिग्नेचर से। यदि आपको डिजिटल सिग्नेचर का लॉगिन नहीं पता है तो उसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाया हूँ, जो आपको लॉगिन आपको मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू से कैसे रिटर्न कर सकते हैं वो मैं बता दूंगा। फाइल विद EVC, यहाँ पर OTP आएगा, डायरेक्ट OTP मेल ID पे और मोबाइल नंबर दोनों पे आप यहाँ से OTP से डायरेक्टली फिल कर सकते हैं।
इसको वेरीफाई, ये मेरा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका। यहाँ पे रिटर्न में जाते हैं, फिर से देखते हैं सबमिट हुआ कि नहीं। ईयर 2021 हमने फरवरी का डाला हुआ था, सर्च देखिए यहाँ पे फील्ड हो गया, सक्सेसफुल फील्ड हो गया। अभी हम लोग 3B को देखते हैं, जो मंथली रिटर्न है 3B कैसे फिल करेंगे। GST R1 होने के बाद फिर से फाइल प्रिपेयर ऑनलाइन, ये अभी नया आ चुका है, यहाँ पे आपको सब कुछ बताता है 2B जनरेटेड हो गया है नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको पहले ये मैनुअली फिल करना पड़ता था, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्ट इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब डिटेल्स आ जाता है, जो मेरा 1150 है, जो मेरा टैक्सेबल अमाउंट है सब कुछ, और मुझे 1400 लेट फी फाइन है मेरा, यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स मुझे मिल जाता है। ITC से मुझे कितना टैक्स क्रेडिट हुआ ये भी यहाँ पे मुझे दिख जाता है। सिस्टम जनरेटेड विद GST 3B कैसे आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, आप यहाँ से पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हैं। देखिए मैंने कौन कौन सा फिल किया है, यहाँ पे 20,000 का मेरा था, उसमें से 1150 टैक्सेबल और 1150 टैक्सेबल अमाउंट है सब कुछ। ATC में 2383 का मुझे टैक्स का क्रेडिट मिला है, ये सब डिटेल्स मुझे यहाँ पे फिल होके मिल गया। यहाँ पे मुझे प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, क्योंकि मुझे पेमेंट करना पड़ेगा लेट फी का। ऑलरेडी मेरे पास क्रेडिट है, पर मुझे लेट फीस भरना पड़ेगा 1400 1400। प्रोसीड टू पेमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे फिल हो चुका है, तो मुझे अभी ये वाला फिल मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। आप चाहो तो चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल बैलेंस 8862 है, सिर्फ मुझे जो मेरा लेट फीस है वही भरना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ मेक पेमेंट पोस्ट फॉर क्रेडिट टू लेजर पे क्लिक करेंगे, यस डिटेल्स आ गया। आप कैसा करना चाहते हैं, मैं नेट बैंकिंग यूज कर रहा हूँ। जनरेट चालान, प्रेफरेंशियल बैंक बाय डिफॉल्ट, यदि नेट बैंकिंग दूसरे बैंकिंग है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, जिससे आप रेगुलर पेमेंट करते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और मेक पेमेंट, ये आपको पूछ रहा है आपका रिटेल है या कॉर्पोरेट है, मेरा रिटेल है, तो मैं रिटेल अकाउंट पे चला गया। यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डालता हूँ, पेमेंट पर तो मेरे अकॉर्डिंग को रिज्यूम किया, यहाँ पे देखिए OTP डाल दिया और इसको सबमिट कर दिया, ये मेरा 2008 पेमेंट कर दिया। जैसे पेमेंट हो गया इसको कंटिन्यू कीजिए, आपका ऑटोमेटिकली पेमेंट हो चुका है। तो अब यहाँ पे मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पे फिर से क्लिक कर दो, ये वार्निंग आएगा इसको यस, आपका ऑफसेट सक्सेसफुली हो चुका है ओके। अभी मैं इसको रिटर्न कर सकता हूँ, प्रोसेड टू फाइल, फिर से सेम प्रोसेस हो गया। यहाँ पे मैं अपना क्लिक करूँगा, DSC से या EBC से कर सकते हैं। यदि आपको प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं फाइल GST 3B विथ EBC। OTP आएगा, वेरीफाई ओके, मैंने ये सबमिट कर दिया। मैं यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ GST 3B, ये मेरा GST मैंने रिटर्न भर के आपको दिखा। इस तरीके से आपको GST एकदम इजी वे से रिटर्न भरना है। अब देखना चाहते हैं रिटर्न में जाके, तो देखिए मेरा फरवरी का मैंने रिटर्न सक्सेसफुली भर दिया, फिल्ड दोनों मेरा रिटर्न हो चुका है। इस तरीके से आप GST का रिटर्न दे सकते हैं। यदि आपके ITC में कौन कौन लोगों ने आपने जो GST का बिल आपने डाला था, जो आपने सेल किए परचेज किए हैं उसका, तो आप रिटर्न देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, जो डाउनलोड करके जो आपने किससे आपका रिटर्न आना था और उन लोगों ने रिटर्न भराए थे। जैसे यहाँ से जनरेट एक्सेल फाइल कर देता हूँ, तो मुझे किससे किससे GST मिलना चाहिए था वो मिला है कि नहीं, मैं यहाँ से देख सकता हूँ।
देखिए, मैं फेसबुक में मैं ऐड करता हूँ तो उसके लिए गाइडिंग है मेरा, इतने लोगों ने मेरे अकाउंट पे मेरी GST भरा है, यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ गया। इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं GST 2 भी। और यदि किसी ने नहीं भरा है आपका बिल रिटर्न, आपने आपको बिल दिया था पर रिटर्न नहीं भरा है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि आपका रिटर्न नहीं दिख रहा है GST 2 में, तो आप रिटर्न कर दीजिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।